तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल। देखो सुबह हो गई है और मस्त नज़ारा है। देखो आधी साइड में धूप है, इस साइड में भी धूप नहीं आई हुई है। यहाँ पर नीचे नैनीताल लेक है पूरी, आपको अगर दिखाई दे रही होगी तो। वो सामने वाले ऊपर है चर्च, वहाँ पे उधर साइड में गवर्नर हाउस है जो यहाँ के विजिटिंग प्लेस है। और साथ में आपको उधर दिखाया था, उधर कैमल बैक है। और सामने जो पीक दिखाई जाए टॉप वाली, उसे बोलते हैं चाइना पीक या नैना पीक। वो भी एक छोटा ट्रैक है, वहाँ से इसका जो आम टाइप का सेब है ना, मैंगो टाइप का सेब, पूरा अच्छा दिखाई देता है। उससे नीचे स्नो व्यू है, मैं रुका हूँ। इससे ऊपर नैनीताल का जू है, जो भी घूमने का मतलब एक पूरा हुआ है। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो ये थे नैनीताल के घूमने के डेस्टिनेशन जो आपको घूमने हैं और जो फेमस हैं। एक साथ में इसमें यहाँ पर से ऐसे चले जाएंगे, सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वहाँ पर रोड स्टेशन है नैनीताल का, सामने आ जाए बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ। तो वहाँ से अगर आप नीचे को हल्द्वानी रोड पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा हनुमानगढ़ी, जो घूमने का डेस्टिनेशन है। कल पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, हम लोग आए थे काला डूंगी के रास्ते, तो वहाँ से हमने खुरपाताल और सरिया लेक दोनों कवर करते हुए हम लोग आए थे उस टाइम पर। तो वो दोनों भी डेस्टिनेशन है यहाँ घूमने के। इससे आगे खूबसूरत गाँव है जो नैना पीक वाला रास्ता है, उससे एक खूबसूरत गांव है, बोलते हैं पंगोट। और यहाँ को लग गया है जुकाम, इसको कल रात से जुकाम लग गया है, सर में दर्द हो रहा है क्योंकि तो इसका एकदम से मौसम चेंज हुआ। एक जगह पे मैंने इसे बोला कि जूस मत पियो बुरास का, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी, वैसे बुरास का जूस पी लिया। औरत ने मुझे जबरदस्ती पिलाया, मैंने थोड़ी ना पिया था। जबरदस्ती पिया, पैसे तो तुमने दिए ना, और जुकाम भी ले लिया। तो निहायिका को लग गया है कल से जुकाम, क्योंकि बुरास का जूस होता है ठंडा होता है, तो गर्मियों के मौसम भी रहता है, इधर ठंड के मौसम में पी लिया। चलो टेस्ट अच्छा था, इसको अच्छा टेस्ट लगा, नहीं से लग गया है जुकाम। तो कल लास्ट से है, बहुत ज़्यादा परेशान, अभी डॉक्टर के पास से इसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, हम लोग तैयार होंगे। ये जो डेस्टिनेशन से घूमने वाली थी, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, मैंने पहले ब्लॉग बनाया हुआ है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग जाएंगे नीचे माल रोड में और करेंगे शायद बोटिंग करेंगे, और शायद वहाँ का जो ये पैड है और स्टेडियम टाइप का है वहाँ से हम लोग मतलब थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन को। अरे कैसा था होटल? बढ़िया। कौन से होटल में रुके थे तुम? महाराजा होटल। तो हम रुके थे महाराजा होटल में, जू रोड पर है। ये है इसके ओनर, अपना नंबर बता दीजिए। ओनर नहीं है, ओनर नहीं, जो भी है मतलब मैनेजर है। नंबर है 9690553213। हाँ, नैनीताल आना पड़ेगा तो आप संपर्क कर लीजिएगा। पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6, और वहाँ 7-8 गाड़ी उधर खड़ी जाती हैं आराम से, तो 10-12 गाड़ी आराम से यहाँ पर खड़ी जाएंगी। तो नैनीताल में क्या है ना, नैनीताल में अगर आपने इन सड़कों में गाड़ी चला ली तो समझ लो कि आपने नैनीताल में हर जगह गाड़ी चला ली है। अभी देखो ये कल रात हम सब आए थे होटल में, तब भी ऊपर को मतलब बहुत चढ़ाई थी, अभी नीचे को बहुत ज़्यादा डाउन है। तो अभी मतलब इन सड़कों में क्या होता है ना कि एक ही गाड़ी पास हो पाती है, अगर नीचे से कोई गाड़ी आ गई तो फिर गाड़ी ऊपर नीचे करने में ही, देखो वहाँ पर दो गाड़ी ऐसे निकल गई, एक होटल में तो ऐसे ऐसे हैं यहाँ पे, या तो फिर आपका सबसे अच्छा जरिया है होटल वाले को फ़ोन करो, आपकी गाड़ी ऊपर लगा देगा। वरना दूसरा क्या है कि आप नैनीताल की पार्किंग में जाके गाड़ी खड़ी कर दो, पर डे 100 रुपये चार्ज है, और अपनी होटल वालों की गाड़ी से होटल में आ जाओ, मतलब यही ये ऑप्शन है। देखिए अभी यहाँ पर जैसे आ गई ना, ये अल्टो आ गई एक, अब यहाँ पर सिर्फ दो अल्टो क्रॉस हो सकती हैं बस। अगर एक गाड़ी अगर इनोवा नोवा टाइप की होती तो फिर ये गाड़ी निकलती नहीं यहाँ पर, फिर बैकअप करके जहाँ पर जगह होती है वहाँ पर निकालनी पड़ती, तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ। हाँ, और अगर यूपी वाले, कल मेरे से बोल रहे थे नीचे से ही, मतलब लोग नंबर देख के, हाँ अरे भाई चला नहीं पाएगा, कहाँ गाड़ी डाल रहा है ऐसा नीचे, यहीं पर जहाँ पर से चाय स्टार्ट होती है। तो मैंने कहा भाई गाड़ी यूपी की है, लेकिन मैं हाँ मैंने कहा मैं पहाड़ी छंड मैंने बोला, तो बोला कि हाँ हाँ चल जाएगी, चल जा, चला दोगे। फिर मैंने ऊपर गाड़ी डाल दी थी, मैं ऐसे यूपी वाले कोई भी आ रहा है तो उनको मना कर दे रहे हैं कि भैया यहाँ से ऊपर गाड़ी नहीं चला पाओगे, क्योंकि क्या होता है ना कि आगे पीछे करने चक्कर में किसी गाड़ी अगर लग गई तो फिर आपको यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि किनारे किनारे लोगों के घर भी हैं ना यहाँ बीच बीच में, तो वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी पार्किंग करी, फिर आगे पीछे हल्का सा थोक दिया आपने तो फिर देने पड़ेंगे पैसे आपको, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी हम लोग नैनीताल आपको दिखाते हैं, थोड़ा मज़ा आने वाला है आगे, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। यहाँ पर से जू के लिए शटल मिल जाती है, अगर आप जू जाना है नैनीताल के तो डायरेक्ट यहाँ से गाड़ियाँ खड़ी हैं नैनीताल जू के लिए,
तो आप नैनीताल जो आराम। तो यह है लोअर मालरोड नैनीताल की किनारे किनारे लेक है। तो इस लोअर मालरोड में घुसने के लिए अगर आप अपनी फोर व्हीलर से घुसते हैं, अगर आप लोकल नहीं है, तो आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे अपनी गाड़ी को का टॉल। इसके आप पार्किंग के भी देने पड़ेंगे आगे। इस बार झील में पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अक्टूबर में जो बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से झील में पानी का लेवल अच्छा, वरना मैंने झील में कभी पानी इतना देखा नहीं। एक दो बार वीडियो देखे थे कि झील में पूरा पानी नीचे तक भर गया, लेकिन आज झील को पूरा देखना था। तो हम लोग का प्लान था यहाँ पर एक बोटिंग करने का, तो अभी देखते हैं उधर जाके कितने रुपये में बोटिंग हो रही है, कैसा वहाँ पर है। अभी मंदिर है वहाँ पे, तो मंदिर के पास से बोटिंग करेंगे, थोड़ी फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे, क्योंकि कल रात जब हम लोग ने आपको पिछला ब्लॉग देखा था ना आपने नैनीताल की मालरोड का, तो उसमें हम लोग को कुछ सीन इन मिला नहीं, क्योंकि रात का अंधेरा और था और ब्लॉग भी और कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ खास नहीं बन पाया। निहारिका ने लालटेन खरीदी थी, और लालटेन तो बाद में दिखाएंगे, और एक शॉल खरीदा था निहारिका ने, कितने रुपये का? 150 रुपये का। रेट क्यों बता? निहारिका बोले अब मैं महंगा खरीदूँगी, 500 रुपये का। कल से कह रही है रेट का बता देता, रेट का बता देता, मतलब ऐसा तो क्या होता है, सभी लोग पहन लेते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं उधर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे, और थोड़ा एक्सप्लोर फिर से करेंगे, और शायद बोटिंग अगर करने को मिल जाए तो बोटिंग करेंगे। बोटिंग का चार्ज क्या है वो आपको बताएंगे। थोड़ा व्यू देख लीजिए इसका, लेक का। Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. तो निहारिका को ठंडा लगा था ना काफी, तो इसने पहनी थी ज़्यादा, वो मैंने तो स्वेटशर्ट पहनी हुई है, हम लोग को ज़्यादा ठंडा नहीं था, इतने इनर भी पहना था, और वो मैंने बाहर से एक और मतलब स्वेटशर्ट पहन ली थी इसने भी। तो अभी यहाँ इसने धूप देखी, बोला अरे गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, उतार लेती हूँ, फिर फोटो उसकी ख़राब हो जाएगी ना, इसलिए इतने हो जाएगी। तो हम लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, उसके भी मतलब आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के। नैनीताल में सबसे बेस्ट है कि अपनी गाड़ी इधर ही खड़ी कर दो, 120 रुपये दिन भर अपना घूमते रहो, 1000 रुपये में आपको लोकल टैक्सी वाला सारे स्पॉट घुमा देगा, जो जो नाम मैंने आपको पहले बताए थे, उससे ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं। मतलब फालतू की चीज़ें रिजर्वेशन, चाय यहाँ पर पीती है, सब कुछ जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिए। ये सामने आप देख रहे हैं रोपवे जा रहा है ऊपर, तो वो आपको स्नो व्यू लगेगा, 250 रुपये उसका चार्ज है स्नो व्यू से। तो यहाँ पर देखिए एक खासियत है, यहाँ वो सामने चर्च है, इधर आपका मस्जिद है, इधर आपका गुरुद्वारा है, उधर मंदिर है, चारों चीज़ें चारों धर्म की एक साथ यहाँ पर बनी हुई है। और बीच में यहाँ पे स्टेडियम है नैनीताल का, जहाँ सारे गेम्स वगैरह होते हैं। तो सामने है नैना देवी मंदिर, अभी हम कुछ देर बाद यहाँ जाएंगे। नैना देवी मंदिर के नाम पे ही नैनीताल है शहर का, और ये डिस्ट्रिक्ट भी है। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो है चाइना पीक, और जू है सामने, जिस होटल में हम रुके थे वो होटल उधर है सामने, और उधर जू है। इधर मैंने आपको दिखा दिया स्नो व्यू, जहाँ से हिमालय दर्शन होते हैं उधर है, पंगोटा रास्ता ऐसे चले जाता है पीछे की ओर को, और हमारी बोट आ गई है 210 रुपये में, ये हमको उस वाले पॉइंट तक, वो मंदिर तक जाते हो ना आप? हाँ, वहाँ तक हमको 210 रुपये में चक्का कर लेंगे। तो कैसे लगा तुम्हें, मज़ा आ रहा है? हैं, आराम लग रहा है बिल्कुल नाव में? अच्छा, तो निहारिका को पहली बार बोटिंग करके काफ़ी आराम मिला था। वो देखिए वो उधर वाला मल्ली ताल था, ये तल्ली ताल आ गया, उधर तल्ली ताल है उस साइड में, तो आप तल्ली ताल से ही बोट करके वो तल्ली ताल वाला भी इधर तक घुमा के वापस ले जाता है। सर वो मंदिर से घुमा के उधर को ले जाता है, वापस ले जाता है मल्ली ताल। हां नहीं वाला तल्ली, मैम इसी को दो ताल बोलते हैं, एक तल्ली है जो आप बैठे हो मल्ली हुआ, ये सेंटर में लाइब्रेरी है, इससे नीचे तल्ली हो गया है, बस उधर से उधर को तल्ली ताल, इधर को मल्ली ताल। तो अभी इस साइड को धूप है, तो इस साइड को थोड़ा व्यू अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन व्यू इस साइड को काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो उधर नैनीताल बोट हाउस है, ऐसे करके ये सारे होटल हैं आप देख रहे हैं ना, सारे होटल हैं। तो बीच में वहाँ पर गोली देवता का मंदिर है, उधर
पाषाण देवी मंदिर है ना, ये वाले मंदिर यहाँ पे बीच में है, साथ में उधर नैना देवी मंदिर है, सामने नैना देवी, नैना देवी। तो किनारे किनारे मंदिर के किनारे किनारे बहुत सारे बोगी हैं। इसके ऊपर टिफिन टॉप है और कुमाऊं यूनिवर्सिटी भी साइट पे है, और जो लखनऊ यहाँ का जो वो डिग्री कॉलेज है ऊपर दिखाई दे रहा है, DSV वो ऊपर डिग्री कॉलेज दिखाई दे रहा है, और ऊपर से भी मतलब यहाँ पर रोड है तो उस रोड से भी यहाँ का अंदर नज़ारा काफ़ी देखने को मिलता है। अगर आपको पूरी नैनीताल की फ़ोटो खींचनी है तो आपको ऊपर स्नो व्यू जाना पड़ेगा, या तो आपको चाइना भी जाना पड़ेगा, उसमें आपको पूरा नैनीताल का व्यू दिखाई देगा। ये सारी मछलियाँ, हाँ ये सारी मछलियाँ हैं महासीर और रोहू, मतलब दो प्रजाति की मछलियाँ इस लेक में पाई जाती हैं, और यहाँ इनकी संख्या ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पूरे लेक पे आपको यही मछलियाँ दिखाई देंगी। छोला भटूरा कैंसिल, हमारे बगल में कोई बड़े बैठे हुए थे, उन्होंने पहले इडली माई कैंसिल करी, फिर छोला भटूरा मिला, फिर कैंसिल किया, फिर बोला आलू पूरी लेके आओ, फिर कैंसिल किया। मैंने यार का बोला था बोलो कैंसिल, बोल रहे कैंसिल, बोलो कैंसिल, और सब कुछ कैंसिल, उसके बाद बगैर खाए चल दिए। मैंने पहले इतना ऑर्डर कर दिया, दुकान में ज़्यादा क्या करते ग्राहक आ गए। तो इधर सुबह सुबह मॉर्निंग का जितना हमने नैनीताल कवर करना था, थोड़ा बोटिंग वगैरह देखनी थी, उसका ब्लॉग तो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।